झंडा हमेशा सलामत रहे, कयामत रहे। म्यूजिक एरिए में मैं आई और सरप्राइजली आई हूँ, ठीक है। मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे पता लगा है कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हमारे पाकिस्तान के घराने मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि मैंने अगर मैं इसको इन्जॉय करी तो आप भी इन्जॉय करवाऊँ अपने घरानों से। जो हमारा खानदान है, जो हमारे विरासत में मिले असासे हैं, हमारी हिस्ट्री है, ये सब कुछ यहाँ पर है। और मैंने कहा कि अगर मैं इन्जॉय कर रही हूँ और अपनी हिस्ट्री जो हमारा मुल्क का असासा है अगर मैं उसको देखकर लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ तो आप भी मेरे साथ शेयर करें। और ये वीडियो पूरी आप एंड तक देखिए, कोई क्लिप स्किप नहीं करना, बहुत मज़ेदार वीडियो बनने वक्त जा रही है। और मिलती हूँ, देखूँ आपके साथ मैं कितना ही इन्जॉय करती हूँ। आ जाइए। तहरीके आज़ादी, जी तहरीके आज़ादी के मौके पर क्या कुछ हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ये देखें जंगजू हमारे पाकिस्तान में जो कुछ लड़ाइयाँ हुई पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, जिस जिस तरह से जंगें लड़ी गईं, ये सारे मनाजर आप देख सकते हैं। खूबसूरती के साथ इनको सेट किया गया है, अरेंज किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है कि किस तरह कुर्बानियाँ दी गई। और ये देखें, ये है जी सर सैयद अहमद ख़ान, ये उनका मुजस्मा रखा गया यहाँ पर। और सर सैयद अहमद ख़ान के साथ ही अगर आप ये देखें कि जो जो चीज़ें इस्तेमाल में उनकी होती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं जो उनके इस्तेमाल में होती थी। और ये है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसकी बुनियाद ही सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी। ये है, उसको दिखाया गया है, उसकी नुमाइंदगी हो रही है। और इसी तरह आगे चलते हैं, अल्लामा इकबाल जो है मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये इसकी इस चीज़ को नुमाया किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये देखें, आगे हम आपको दिखाते हैं, ये मस्जिद शो की जा रही है और वहाँ पर अल्लामा इकबाल नमाज़ पढ़ते हुए दिखाए गए हैं। और ये उनका घर दिखाया गया है और सामने आप देख सकते हैं अल्लामा इकबाल का मुजस्मा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। और जो बुक्स आप नज़र आ रही हैं, जो उनकी पहचान है और वो है उनकी शायरी, उनकी किताबें, ये उनका घर बड़े अच्छे तरीके से, इसको भी ये भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे चलते हैं, ये अल्लामा इकबाल की जो जिस तरह वो ख़िताब करते थे, अपने ख्वाब को बयान करते थे, ये वो स्टाइल आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। अल्लामा इकबाल की तकारीर और उनका डेस्क ज़बरदस्त। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ कायदे आज़म के नवादरात, जी तो कायदे आज़म के नवादरात आपको दिखाते हैं। और ये उनका वो सारा साज सामान यहाँ रखा गया है जो उनके इस्तेमाल में था। ये सोफ़े आप देख सकते हैं, इनका तमाम फर्नीचर यहाँ पर उनके घर की अक्कासी कर रहा है। और ये वो चीज़ें जो वो इस्तेमाल में लेकर आते थे, यहाँ पर इनको इन नवादरात को दिखाया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से इन्हें सेव किया गया यहाँ ला कर। और बहुत अच्छा ये है कि हम इससे बहुत कुछ जान सकते हैं। ये कायदे आज़म की बुक्स हैं, उनका ऑफिस की चीज़ें हैं जो उनके इस्तेमाल में थी। जी फ्रेंड्स, जदोजहद, जी पाकिस्तान को बनाने के लिए जो कोशिशें की गई, मुज़ाकरात हुए, टेबल टॉक्स हुई, ये सारी चीज़ें और बहुत खूबसूरती से इनको सजाया गया है। ये देखें आप कितने खूबसूरत और हसीन उन लोगों के मुजस्मे बनाए गए हैं जिन्होंने इन काविशों में हिस्सा लिया, उन उस आवाम के जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, ये आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान का नक्शा आपको खूबसूरत और हसीन पर्सनैलिटी से आपको मिलाने जा रही है। आ जाए, ये देखें खूबसूरत और हसीन पर्सनैलिटी है और उन्होंने इतना ही खूबसूरत हमें पाकिस्तान और खूबसूरत आज़ादी हमें दिलवाई, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म से मिलवाओ और उनकी इतनी खूबसूरत बहन से ना मिलवाओ, ये कैसे हो सकता है। आए उनसे भी मुलाकात, वी लव द। तो ये देखें आप, ये वो मनाजर पेश करें जिसमें जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान करना था, ये वो मनाजर पेश कर रहे हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर। हकीकत अली खान, ये झंडा हमेशा सलामत रहे, कयामत रहे। जी फ्रेंड, सैयद अली गिलानी जी, पाकिस्तान की बात हो और कश्मीर की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे जाहिर किया जा रहा है कि कैसे काविशें की गई कश्मीर के लिए। अच्छा फ्रेंड, पाकिस्तान का मंजरनामा हॉल में वीडियो चलाई जा रही है जिस जो कि सारा कुछ शो कर रही है कि जब पाकिस्तान बना और किस तरह लोग हिजरत करके आए और वहाँ पर कैसे लोगों ने परेशानियों को फेस किया, सारी चीज़ें हिस्ट्री जो है हमारी ये इस तरीके से दिखाई जा रही है। फ्रेंड ये देखें कितनी खूबसूरत गाड़ी है, ये लेमोजीन है, 1920 का ये मॉडल है और इसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके बहुत खूबसूरती से साथ यहाँ रखा गया है। हाय फ्रेंड, यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, आए इसमें विजिट कर लेते हैं। जी फ्रेंड, तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? लेकिन बहुत इंजॉय किया होगा आपने। जो हमारा यहाँ पर असासा है, हमारा खानदान, हमारा भी फैमिली ही तो है, पाकिस्तान की फैमिली, सारी ज़िंदगी और सारे इस मुल्क का असासा है। मैंने पाकिस्तान का खानदान आपको इंट्रोड्यूस करवाया, जो हमारा असासा है पाकिस्तान का, हमारी हिस्ट्री है। लेकिन आपने सारा कुछ उसको इंजॉय किया होगा। तो अब मैं वाइंड अप कर रही हूँ वीडियो, लेकिन आपने इस सासे को, इस हिस्ट्री को और हमारे इस खानदान को सबको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ताकि वो सब भी इंजॉय कर सके जो यहाँ नहीं आ सकते। और मैं बता देती हूँ कि इस्लामाबाद में मोनूमेंट है यहाँ पर, वहाँ ये नई जो है म्यूज़ियम बना है नया, और ये फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पर सरप्राइजली आई हूँ, क्योंकि मैं आई किसी काम से थी, लेकिन सडनली मेरा लगा म्यूज़ियम बना, तो मैं तो आपको पता मुझे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, अपनी हिस्ट्री बहुत अट्रैक्ट करती है, अपना कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ज़रूर अपनी फैमिली में अपना अंदर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कैसी वीडियो लगी। फिर अभी उनको एक अच्छी सी वीडियो चेक करेगा आपने। फ्रेंड जाते जाते ये हसीन मंज़र मोनूमेंट का रात के टाइम जगमगाती लाइटों के साथ, और ये जो आपको चार सतून इसके नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये पाकिस्तान के चार सूबों की नुमाइंदगी करते हैं। और अगर करीब से कभी आपको आकर इसको देखने का मौका मिले, इन चार सतूनों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से नक्शकारी की गई है, जो कि हमारे सूबों को यानी कि पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान को ज़ाहिर करती है। तो ज़रूर आएँ, यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। फ्रेंड मुझे ज़रूर बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, और शेयर भी करें ताकि अगर आप या आपकी फ्रेंड यहाँ नहीं आ सकते तो वो हमारे पाकिस्तान के एहसासों को देख सकें और उनको आगे तक पहुँचा सकें। जज़ाकअल्लाह।